चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के थाना लोनी कटरा इलाके के छविल चौकी इलाके से एक गांव में विगत दिनों घर में घुसकर लड़की से दुष्कर्म के मामले में असफल हुए युवक ने लड़की की बड़ी बहन के बेटे को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। क्या मामला है आप लोगों का? हमारा लोगों का मामला है, तेज बोलिए थोड़ा। हमारा लोगों का मामला है कि हमारे घर के सामने अजीत का घर है, तो अजीत हमारे घर आए गंदी निगाहों से, कहा कि हमारा मुंह पकड़ कर दाब दिया, तब बोला कि हमारे साथ छेड़छाड़ करने लगे। तब हमारी दीदी का लड़का खेल रहा था, तब हमारे पास वो आया, तब हमसे कहे कि हमारा कहना मानोगी कि इसको जान से मार दें। अत्ती बात कहकर उनको मार दिया, हमारी दीदी को लड़कों को मार दिया। फिर हम लोग थाना लोनी कटरा गए रिपोर्ट लिखवाने, हमारी रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन जो रिपोर्ट हम लोग लिखवा रहे थे वो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आज आप लोग कहाँ आए थे? यहाँ एसपी ऑफिस में क्या हुआ? एसपी ऑफिस में रिपोर्ट हमारी दर्ज हुई, कह रहे हैं न्याय मिलेगी। एसपी साहब को आपने एप्लीकेशन दी है? हाँ दी है। और पहले कोई एफआईआर हुई थी? हाँ हुई थी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं कोई कार्रवाई हुई, मगर केस लगाए हल्का करने के लिए दूसरा केस लगा दिया। वहाँ छबील चौकी के कौन लोग हैं जो मिले हुए हैं सिपाही का, क्या नाम है उनका? नाम नहीं जानते हैं। धमकी भी देते हैं क्या आपको? हाँ, गाली भी देते हैं, धमकी भी देते हैं। कौन लोग? चौकी, छबील चौकी के इंचार्ज लोग। जो परेशान कर रहे हैं वो लोग कौन है? अजीत है। किस बात के लोग धमकी दे रहे हैं? कि तुमको उठा ले जाएंगे अगर सुलह नहीं करोगी तब।